दोस्तों अगर आप भी दूसरे टेस्ट मैच में भारत की जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन बेहद ही रोमांचक रहा, जहां जडेजा और अश्विन ने पहले अपने चमत्कार से सभी विकेट उखाड़ फेंके और फिर रोहित के छक्के और पुजारा कोहली की साझेदारी से भारत ने आज का ये शानदार मुकाबला अपने नाम किया। सब आपको हाईलाइट वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और पुजारा में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही चार मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल अब समाप्त हो चुका है और इस मुकाबले के तीसरे दिन भारत के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया, क्योंकि दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 113 रनों पर ही ढेर हो गई। इसके साथ ही टीम इंडिया को 115 रनों का लक्ष्य मिला था। हालांकि रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में कुल मिलाकर 7 विकेट चटकाए और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। और यहां जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इसी बीच रविचंद्रन अश्विन ने ट्रेविस हेड को चलता किया, जो कि आज के इस मुकाबले में लाबुशेन के साथ मिलकर 42 रनों की साझेदारी की। हालांकि यहां पर ट्रेविस हेड 43 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं मार्नस लाबुशेन का विकेट रविंद्र जडेजा ने चटकाया, जो कि 35 रन ही बना पाया। हालांकि ये विकेट गिर जाने के बाद फिर स्टीव स्मिथ और मैट रेंसो भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए और ये दोनों विकेट भी रविचंद्रन अश्विन के नाम रहे। और इसके बाद तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी दबाव में आ गई कि पीटर हैंडसकम और एलेक्स कैरी भी साझेदारी को आगे बढ़ा नहीं पाए और यहां पर पीटर हैंडसकम के रूप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को छठा बड़ा झटका लगा। तो वहीं एलेक्स कैरी मात्र 7 रन बनाकर ही आउट हुए और रविंद्र जडेजा के खाते में ये दोनों विकेट गए और अब ऑस्ट्रेलिया के एक के बाद एक विकेट गिरते चले जा रहे थे और भारतीय टीम लगातार मजबूत और मजबूत स्थिति में आती जा रही थी। लेकिन इसी बीच पैट कमिंग्स और नाथन लियोन जब मैदान पर उतरते हैं तो ये दोनों भी रविंद्र जडेजा के जाल में फंस जाते हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंग्स को तो रविंद्र जडेजा पहली ही गेंद पर चलता करते हैं और वो 0 रन की पारी खेलिया आउट हुए। तो वही नाथन लियोन ने 21 गेंदों में 8 रनों की पारी खेली और ये विकेट भी रविंद्र जडेजा के नाम रहा और फिर अंतिम विकेट मैथ्यू कोहिनमन का लेकर रविंद्र जडेजा ने यहाँ ऑस्ट्रेलिया की पारी को समाप्त किया। और दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने आज भारत की तरफ से तीसरे दिन 12 ओवर फेंके, 12 में से एक ओवर उनका मेडन था और वहीं इन 12 ओवर में मात्र 42 रन देकर उन्होंने 7 विकेट हासिल किए। तो वहीं दूसरी तरफ उनके साथी खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने आज मैच में 16 ओवर फेंके और 59 रन देकर 3 बड़ी सफलताएं हासिल की और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 113 रनों पर ही ढेर हो गई थी। अब भारत के सामने लक्ष्य था मात्र 115 रनों का और टीम इंडिया इस लक्ष्य को बड़ी आसानी से पूरा कर सकती थी, क्योंकि यहां पर ऑस्ट्रेलिया के इरादे अब बुलंद नहीं थे और अब भारत की बल्लेबाजी शुरू होती है दूसरी पारी में, जहां रोहित शर्मा और केएल राहुल एक बार फिर से साझेदारी करने के लिए आते हैं। अब हर किसी को उम्मीद रहती है कि स्कोर कम बनाना है तो एक अच्छी साझेदारी केएल राहुल और रोहित शर्मा के बीच देखने के लिए मिलेगी, लेकिन दोस्तों यहां पर केएल राहुल का फ्लॉप शो एक बार फिर से जारी रहा और कम स्कोर पर भी वो आज कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए, क्योंकि यहां पर केएल राहुल को नाथन लियोन ने एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवाया और केएल राहुल मात्र 3 गेंदों में 1 रन बनाकर ही आउट हुए, जिसके चलते भारत को ये पहला बड़ा झटका लगा। और अब टीम इंडिया का एक विकेट गिर जाने के बाद तेजवर पुजारा मैदान पर आते हैं, जब पुजारा और रोहित शर्मा साझेदारी को आगे बढ़ा रहे होते हैं और इस बीच देखते ही देखते भारत का स्कोर लगभग जीतने की कगार पर पहुंच जाता है और यहां पर भारत की तरफ से रोहित शर्मा ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हैं और छक्के चौकों की बरसात करके जल्द से जल्द टीम इंडिया को जीत दिलाने की कोशिश करते हुए वो नजर आए। यहां पर एक तरफ जहां रोहित शर्मा बड़े शॉट लगाने पर ज्यादा विश्वास दिखा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ चितेश्वर पुजारा का तो आप जानते ही होगी, वो एक दीवार की तरह खड़े हुए थे अपना विकेट बचाकर और यहां पर इसी का फायदा रोहित शर्मा ने उठाया, जहां उन्होंने नाथन लियोन और मैथ्यू कोहिनमन की गेंदों को बख्शा नहीं और खूब छक्के चौकों की बरसात करके टीम इंडिया को जीतने की बिल्कुल राह के करीब पहुंचा दिया। और दोस्तों देखते ही देखते भारत का स्कोर इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा था कि 50 रन तो भारतीय टीम ने मात्र 10 ओवर के भीतर ही पूरे कर लिए थे और यहां पर अब क्या था, रोहित शर्मा जो कि 20 गेंदों में 31 रन बनाकर खेल रहे थे, वो एक छोटी सी गलती के चलते अपना विकेट गवा बैठे। यहां पर रोहित शर्मा मिस फील्ड पर दूसरा रन भागने के लिए लपके, लेकिन यहां वो पीटर हैंडसकम के हाथों रन आउट हो गए, जिसके चलते भारत को ये दूसरा बड़ा झटका लगा और रोहित शर्मा 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 31 रनों की तूफानी पारी खेल आउट हुए। और ऐसे में रोहित के आउट हो जाने के बाद फिर उतरे विराट कोहली, जहां विराट कोहली और चितेश्वर पुजारा ने मिलकर भारतीय टीम की साझेदारी को आगे बढ़ाया। अब भारत को जीतने के लिए महज 40 रन चाहिए थे और यहां पर चितेश्वर पुजारा, विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन कर दिखा रहे थे और भारतीय टीम को जीत की कगार पर लेकर पहुंच गए, क्योंकि
यहाँ पर नाथन लियोन, टॉड मर्फी और यहाँ तक कि मैथ्यू कोहिनमन भारतीय बल्लेबाजों के विकेट चटकाने में असफल रहे और यहाँ पर दो विकेट तो भारत के भली शुरुआत में गिर गए थे, लेकिन चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने यहाँ पारी को संभाला और भारत की तरफ से यहाँ विराट कोहली ने आज इतिहास भी रच दिया, जिन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 25,000 रन भी पूरे कर लिए। तो वहीं विराट कोहली के अलावा चेतेश्वर पुजारा का भी बल्ला आज खूब अच्छा चला और टीम इंडिया को इसी साझेदारी की एक जरूरत थी जो कि भारतीय टीम को जीत दिला कर ले जाती। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को आज तीसरे दिन ही अपने नाम कर लिया और भारत की सबसे बड़ी जीत का हकदार तो रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन है, जिन्होंने आज तीसरे दिन तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रही ऑस्ट्रेलिया की टीम पर विराम लगाया और इस मुकाबले में उनके मात्र 113 रन पर ही 10 विकेट चटका दिए, वही टीम इंडिया की जीत की सबसे बड़ी वजह बनकर उभर के आई। बाकी दोस्तों आप सब यहां पर देख भी सकते हो कि आज तीसरे दिन का खेल आप सभी के सामने दिखाया जा रहा है कि कैसा रहा और अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के ऐसे ताबड़तोड़ तूफानी प्रदर्शन को देखने के बाद और अब भारत के किस बल्लेबाज और गेंदबाज को दूसरे टेस्ट मुकाबले में मिली जीत का हकदार मानते हो? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।